Good morning, student. In previous video, we have seen Dr. Chandra. Okay, Dr. Chanda. He was in physicians. Okay, he had bright eyes and sharp nose. So, our Bipin Babu. Okay, he went to just we can say to show his illness. So, Dr. Chandra okay gave suggestions because. His symptoms was somewhat different and he said that okay I treated every day okay many patient but your symptoms is somewhat different so my suggestion is to you have to go once again to where Ranchi okay when you will visit to Ranchi okay you will remind all the episode so okay he decided to go where Ranchi okay next morning okay he ran off his office and he gave some instruction and then he procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. So okay today's video we will see the last portion of this lessons okay part number 4. Getting off the train at Ranchi next morning he realized at once that he had never been there before. So next morning okay he reached there where Ranchi okay मतलब शाम को उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला और वो कहाँ चल पड़े वेयर रांची बट व्हेन ही सीन ऑल द पिक्चर्स ऑफ रांची ही रियलाइज दैट उसको ऐसा एहसास हुआ एडवांस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर कि इसके पहले वो रांची में नहीं था व्हेन ही रीच देयर ही केम आउट ऑफ द स्टेशन टुक अ टैक्सी ही केम आउट ऑफ द स्टेशन एंड उन्होंने क्या लिया एक टैक्सी लिया drove around the town for a while and he drove around the that city उन्होंने एक टैक्सी लिया और टैक्सी से पूरा उनके शहर की उस जो सिटी है उनके रांची में उसके शहर किया टैक्सी में ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट बिल्डिंग्स द होटल्स द बाजार्स द मोराबाड हिल्स विच वन ऑफ दिस हैड ही स्लाइटेड एक्वेंटेंस ओके When he see the buildings, the hotels, the restaurant, okay, bazaar, the Morabad hills, with one of these had the slightest acquaintance. Okay. Would a trip to the Woodrow Falls help? Okay. He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave the feeling that he hadn't tried enough. Okay. When he see all these, we can say that places. बिल्डिंग्स होटेल्स बाजार ओके मोटा होटल्स के वन ऑफ द हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस मतलब उसको लगा कि ये इसके पहले मैंने कभी देखा ही नहीं मतलब उसका कहना था ओके ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर सो वुड अ ट्रिप दैट हुड्रो फॉल्स हेल्प हुड्रो फॉल्स हुड्रो फॉल इज अ फेमस इन रांची ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव द फीलिंग्स ही हैडंट ट्राइड इनफ सो उसको लगा ओके कि वहाँ जाने के बाद में वुड्रो फॉल्स इज अ फेमस प्लेस इन रांची सो ही थॉट दैट नाउ आई हैव टू विजिट वुड्रो फॉल्स बट ही थॉट दैट व्हेन ही विल विजिट दैट फॉल्स ओके इट इज ऑल्सो अननोन फॉर हिम सो ही अरेंज अ कार एंड लेफ्ट वुड्रो एट आफ्टरनून और एट लास्ट उसको लगा चलो एक बार वुड्रो फॉल्स देख लेते और उन्हें वहाँ जाने के लिए एक कार को अरेंज किया ओके ही अरेंज अ कार एंड लेफ्ट और हुड्रो इन आफ्टरनून और दोपहर को वो हुड्रो को विजिट देने के लिए चला गया एट अ 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो और हुड्रो में ओके व्हेन ही रीच देयर वेयर एट अ 5 o'clock सेम आफ्टरनून इन द हुड्रो टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स टिस्की और ओके बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड बोल्डर सो At 5 o'clock at the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen, कौन दो Gujarati gentlemen from the group of picnickers. Okay, there were so many picnickers. So from among the picnickers, two Gujaratis, Bipin Babu. उन्होंने Bipin Babu को discover किया उसको उन्होंने देखा Lying unconscious beside a
बोल्डर, ओके, वहाँ पे एक बोल्डर था, बोल्डर मीन्स एक कंकर, ओके, उसको बोलते हैं हम पत्थर, ओके, देर वॉज अ लाइंग ऑफ बिपिन बाबू, वेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग्स बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देर इज नो होप लेफ्ट, सो ओके इन द हुड्रो फॉल्स, ओके बिपिन वॉज बाबू वॉज लाइंग अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस मतलब पूरा टायर्ड हो गया कि व्हाई दिस हैपन्ड ओके विथ मी, बिकॉज आई डिडंट रिकॉल ओके ऑल दिस एपिसोड ऑल दिस ओके थिंग्स बिकॉज माई मेमरी इज नॉट वर्किंग, माई मेमरी इज नॉट वर्किंग, ओके आई एम फीलिंग जस्ट लाइक अ मैड पर्सन, आई एम फिनिश, मैं पूरा फिनिश हो गया, ओके देर इज नो होप लेफ्ट, भी मुझे जीने का कोई मतलब होप नहीं रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, दूसरे दिन बिपिन बाबू बैक इन कलकत्ता होके वापस आ गए, ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, एंड उसको ऐसा एहसास हुआ, ओके ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसके लिए अभी वहाँ कोई होप नहीं है जाने की, सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, ही विल टू वर्क, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, okay means all these things okay was not working because he thought that now everything means his work, confidence, ability, balance of mind okay all क्या हो गए lapse हो गए, मेरे दिमाग से क्या हो गए वो lapse हो गए, now I don't want to live, there is no hope for live. Was he going to end in this asylum at? उसको ऐसा लगे कि हाँ भी हमको कहा जाना क्या असाइलम में जाना चाहिए, असाइलम मीन्स एक पागल खाना, उसके बोलते हैं पागल खाना, कि मुझे अभी पागल खाना जाना होगा, बिपिन बाबू couldn't think any more, okay? He couldn't think any more. So dear student, means we have seen when he reached in Ranchi, okay? When he saw all the places, hotels, buildings, okay, the falls, but we means after seeing all this scenery or picture of the city, okay, he didn't recall, उसको कोई भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इसके पहले मैं आया था, actually बिपिन बाबू was okay, he was present in 1958 and there were so many you can say his friend, okay, he thought that he was present, okay they were witness, but Bipin Babu was not ready to accept because the balance of mind, uska jo balance of mind ho gaya, okay wo kya ho gaya, to wo sleep ho gaya, means everything loss from his mind, uske mind se wo sab kya ho gaya loss ho gaya, okay in this way dear student, next morning okay today's video is okay all for today, next video we will see next portion of this lesson, thank you.